यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम योगी, अमित शाह और जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली से वापस उत्तराखंड लौटे कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी। 19 मार्च को हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक। उत्तराखंड के सभी सांसद गृहमंत्री अमित शाह से मिले। चुनाव परिणाम के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने मीडिया से की बात। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण पर बोले, भाजपा की सरकार ने नहीं किया कोई काम, उनके बनाए स्टेडियम में ही ले रहे हैं शपथ। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि जब कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बन सकती। उत्तराखंड के एक और विधायक ने सीएम पद पर की दावेदारी। ऋषिकेश से भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल बोले, हर किसी की महत्वाकांक्षा है सीएम बनना, मैं भी 4 बार का विधायक हूं। मैं विधायक बना हूं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है और मेरे हाईकमान का निर्णय चूँकि वो सारे पहलू पे सारे समीकरण पर विचार करता है तो जो भी नेतृत्व तो तय करेगा उसको स्वीकार करेंगे। यूपी में होली के लिए छुट्टी की हुई घोषणा। 18 और 19 मार्च को 2 दिन के लिए अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा, गवाह पर हुए हमले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे सरकार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गवाह को सुरक्षा देने के भी आदेश दिए। 24 मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगले सुनवाई। हापुड़ गगड़ मुक्तेश्वर में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। ब्रिजगार्ड के महामृत्युंजय धाम के पास नगर पालिका की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। पिछले कुछ महीनों से भूमाफियाओं का था कब्जा। वाराणसी में ब्रिजेश सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल किया पर्चा। ब्रिजेश सिंह के साथ 10 प्रस्तावक रहे मौजूद। ब्रिजेश सिंह की पत्नी ने भी किया नामांकन। कोटद्वार के प्राइमरी स्कूल में कई दिनों से बह रहा गंदा पानी। स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी ने लिया मामले का संज्ञान। अधिकारियों को लगाई फटकार, सुधर जाने की चेतावनी दी। 2 घंटे के अंदर सीवर लाइन ठीक करने के आदेश दिए।